सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉलर का नेक डिज़ाइन बताने वाली हूँ जिसमें फ्रंट और बैक में दोनों में डिज़ाइन आएगा और कॉलर बनेगा। फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से थैंक यू, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बनाएंगे अपना बैक का डिज़ाइन। तो बैक के डिज़ाइन के लिए मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग ली है जिसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, और इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों मैंने 10-10 इंच ली है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। पहले हम ऊपर से लेंगे 2.5 इंच ले लेंगे ऊपर से, और जो हमारे नेक की जो लेंथ है वो है 9 इंच, तो हम 9 इंच ले लेंगे, और इस यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से 3 इंच ऊपर हम 3.5 पे निशान लगाएंगे, और इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से मिला लेंगे सभी पॉइंटों को, और इसको राउंड नेक दे देंगे इस तरीके से। और आपको जितना चौड़ा बुकरम रखना है आप उतना रख सकते हैं, मैं 1 इंच चौड़ा रखूंगी। इसको भी राउंड कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको काट लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक का हो गया है, ये बैक का डिज़ाइन हमारा इस तरीके से हो गया है। और हम फ्रंट का भी निकाल लेते हैं, जो हमारे फ्रंट का लगेगा, जो इसका बुकरम बचा है हम इसी में फ्रंट का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं जो 4.5 है, और 1 इंच नीचे बुकरम छोड़ देंगे, तो हमने ये 5.5 इंच ले लिया, और यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे। इसको हम इस तरीके से राउंड शेप में कर लेंगे, और आपको जितना बुकरम छोड़ना है उतना उतना छोड़ लें। मैं 1 इंच छोड़ रही हूँ, 1.25 इंच करीब। चलिए इसको भी काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आएगा, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा हुआ है क्योंकि हमारी पाइपिंग लगेगी इधर, तो इसलिए मैंने गैप रखा हुआ है। तो चलिए इनको हम कपड़े पे सेट कर लेते हैं दोनों को। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये पेपर पेस्टिंग थी तो मैंने इसको चिपका लिया है ये कपड़े पे, कपड़ा इससे बड़ा लिया था मैंने, और इस तरीके से मैंने प्रेस से चिपका लिया है दोनों नेक्स को। तो अब हमें क्या करना है, इसको शेप का काट के और इसको इस तरीके से सिलाई लगानी है ऐसे गोल में। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ये बुकरम का 2.5 इंच लेके काटा था, और कपड़े पे भी कट दे दिया था ताकि ये 2.5 इंच रहे, मतलब कि ये पूरा अब खोल के 5 इंच है। तो ये आप कट ले लें कपड़े पे, और इसको उसी तरीके से चिपकाना है। और मैंने कपड़े पे आप देख सकते हैं शेप दे दिया है, और छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि जो फोल्डिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाए। तो मैंने छोटे वाले नेक में भी ऐसे ही कर लिया है सेम। तो अब हम सिलाई लगाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैंने जो छोटा फ्रंट का जो हमारा नेक है उस पर भी मैंने लगा लिया है ऐसे ही कपड़ा, और बैक में भी लगा लिया है। अब हमें जो ये बीच का जो कपड़ा है ये हमें कुर्ती पे सेट करेंगे, उसके बाद मैं काटूंगी, पहले नहीं काटूंगी। और ये जो अनफिनिश्ड कपड़ा आपको दिख रहा है इसको आप काट सकते हैं, इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वो कुर्ता है जिसपे मैं ये नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, और ये लाइनिंग वाला है एक्चुअली सूट, और वैसे मैंने लाइनिंग वाले सूट की जो है वीडियो अपलोड की हुई है,
और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। तो हमें अभी बैक साइड का नेक बनाना है, तो इसको साइड में रख देते हैं और ये बैक साइड हम उठाते हैं इस तरीके से। और इस पे भी 2.5 इंच पे हम कट लगाएंगे ताकि हम अपना जो नेक है वो पूरा अच्छे से सेट कर पाए। तो ये मैंने इस तरीके से इसको किया और मैं उस पर 2.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ इस तरीके से। और मैं इधर एक कट लगा लूँगी तो उससे हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने नेक को सेट कर पाएंगे इस तरीके से। और अब ये हमारा सीधा साइड है, इसको नेक को इस तरीके से रखेंगे, ऐसे रखना है हमें। और ये बिल्कुल कट पे इस तरीके से सेट करके और बिल्कुल सीधा बिठाना है। आप चाहें तो बीच में पहले एक सिलाई लगा लें ताकि हमारा जो ये नेक है वो खिसके ना। तो मैं भी सिलाई लगाने वाली हूँ, तो हम बीच में सिलाई लगा के और फिर इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो आपको बिल्कुल अच्छे से तसल्ली से बिठाना है कि बिल्कुल सेंटर में आए। ये मेरी क्रीज जो है, मैंने कपड़ा ज्वाइंट किया था और ये बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है इसके। तो आपको ये बिल्कुल देखना है, ऐसे ना हो जाए हमारा नेक, तो बिल्कुल तसल्ली से करना है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लूँ। अब मैं इसके साइड में सिलाई लगाने वाली हूँ, ऐसे राउंड। फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये जो सिलाई से बिल्कुल आधा आधा इंच करके हम ये कपड़ा काट लेंगे। चलिए काट लेते हैं। अब हम इसमें छोटे छोटे कट दे देंगे। सिलाई से संभाल के कट लगाना है फ्रेंड्स, सिलाई ना कटने पाए। और ये कट इसलिए होते हैं ताकि हम फोल्ड करें तो बिल्कुल भी झोल ना आए, इसलिए होता है ये कट। जहां पे ज्यादा गोल होता है वहीं पे कट ये देते हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मुड़ जाएगा फ्रेंड्स। और आप चाहें तो इस पे एक सिलाई दे दें, सिलाई दे के और हम फिर इस पे पाइपिंग लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये रेड पाइपिंग है जो मैं इसमें लगाऊंगी और इस पाइपिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। आप देखना चाहते हैं तो आप पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। पाइपिंग लगाने से पहले मैं आपको फ्रंट का नेक भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फ्रंट साइड का कुर्ता। तो इसकी मैं मेरा जो फ्रंट नेक है वो पूरा डीप होगा 8 इंच। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये लिया है, ये है 4.5 इंच। और तो अब मैं इसका काट लूँगी 3.5 इंच, तो पूरा हमारा 8 इंच हो जाएगा। तो मैं जो इसकी ब्रॉडनेस है वो 3 इंच रखूँगी और जो इसकी लेंथ है वो ऊपर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो ये हम 4 इंच रख लेते हैं और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और इसकी जो क्योंकि कॉलर का बनेगा तो कॉलर में पूरा राउंड नहीं देते हैं, हल्का सा इस तरीके से वी करके देते हैं शेप। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। हमारा जो सेंटर है, सेंटर में हम इसको जो हमने ये वाला नेक काटा है इसको भी सेट करना है। तो इसका हमारा जो सेंटर है यहाँ पे आएगा, ये सीधे तरफ से ही लगाएंगे इसलिए हम सीधी तरफ निशान लगा रहे हैं। तो ये इस तरीके से लगेगा। तो हमारा जो नेक है पूरा 8 इंच बन के तैयार आएगा। तो अब हम इसको बिल्कुल सेंटर की एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ये भी खिसके ना। और इसको ऐसे करके बिल्कुल सेंटर से मिला के, और एक बीच में आप या तो सिलाई लगा लें, सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधा इस तरीके से सिलाई लगा लें। तो चलिए लगाते हैं।
फ्रेंड जैसे हमने ये मैंने जॉइंट कर लिया है और जैसे बैक का काटा था नेक, उसी तरीके से ये भी आधा आधा इंच छोड़ के सिलाई से इसको हम काट लेंगे। और इसमें भी कट दे देंगे। फ्रेंड्स इसको भी हम पलटा लेंगे जैसे बैक का नेक पलटाया था इस तरीके से। और इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे, तो चलिए पाइपिंग लगाते हैं अब। तो फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे पाइपिंग। तो मैंने ये पाइपिंग ली है, तो ये 2 इंच चौड़ी है। तो अब हम जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बैक नेक पे किनारे की सिलाई लगा लें इसको मोड़ के, तो हम पाइपिंग इस तरीके से लगाएंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे रख के सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम इसको इस पाइपिंग को इस तरफ से इस तरीके से आपको जितनी भी मोटी पाइपिंग रखनी है रख लें और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। बट अब जो सिलाई लगाएंगे वो इस धागे की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पाइपिंग पे नहीं हमारे सूट पे सिलाई आएगी। तो आप भले नीचे का धागा रेडी रखें और जो ऊपर से सिलाई आप ऐसे लगाएंगे इसको इस तरीके से पाइपिंग निकाल के, वो इस कलर की होनी चाहिए, सूट के कलर की। तो चलिए हम इस पे पाइपिंग लगाते हैं और मैं आपको फ्रंट का भी बता दें। सेम इसी तरीके से फ्रंट में भी जो हमारा नेक है ये वाला, मैंने मोड़ के इसको भी, जो हमारा फ्रंट का नेक है इसको भी मैंने सिलाई लगा दी थी। और इसी तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो चलिए अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स ये वाली पाइपिंग लगाने से पहले मैं ये इस तरीके से लूप भी बना के लगाऊंगी। तो मैं इसको इस तरीके से रखूंगी, पहले इसको सिलाई कर लेती हूँ। और अब मैं अपनी पाइपिंग लगाऊंगी, जैसे बैक में लगाया था उसी तरीके से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसकी भी हम पाइपिंग निकाल लेंगे इस तरीके से और अब ये इस तरीके से आ जाएगा। चलिए सिलाई लगा लेते हैं इस पे भी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा फ्रंट नेक भी बन गया है और इधर हम लगाएंगे बटन अपना, और बैक भी बन गया है। तो अब हम इसका कॉलर काट लेंगे। चलिए कॉलर काटते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें ज्वाइंट करना है अपना कॉलर। कॉलर ज्वाइंट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पाइपिंग है इधर हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है, और आप यहाँ पे तुरपाई कर लें दोनों नेक में, फ्रंट और बैक के नेक में यहाँ पे तुरपाई लगेगी। और कॉलर जोड़ने से पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसकी जो ब्रॉडनेस हमने ली थी नेक की वो डबल से 2.5 इंच ली थी, और जो फ्रंट नेक की जो हमने ब्रॉडनेस ली थी वो डबल से 3 इंच ली थी। तो इसका खोल के 5 इंच होगा और जो फ्रंट नेक है वो हमारा खोल के 6 इंच होगा। तो अब आपको किस तरीके से ज्वाइंट करना है इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से पूरा बराबर लेंगे, शोल्डर से ज्वाइंट जब करेंगे यहाँ से पूरा बराबर लेंगे, बट नेक से बराबर नहीं आएगा। तो ये मेरा बैक साइड का सीधा हिस्सा है मतलब, और ये मेरा ये नेक भी आप देख सकते हैं पूरा रेडी हो गया है पाइपिंग से। और इसको मैं इस तरीके से सीधा पार्ट सीधे के ऊपर रखूंगी इस तरीके से, और शोल्डर से जो हमारा बिल्कुल बराबर मिल के सिलाई लगेगी। यहाँ से ये वाला इतना दिखेगा आधा इंच, क्योंकि ये हमने 2.5 इंच लिया था डबल से। तो इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं दोनों तरफ से, और उसके बाद हम इसका मेजर करके फिर इसमें कॉलर ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए शोल्डर ज्वाइंट करते हैं पहले।
तो फ्रेंड्स हमने शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अब हम इसका नेक का मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमारा कितना कॉलर लंबा बनेगा इसमें। और जो ये कॉलर है पूरा प्रॉपर होना चाहिए, बड़ा हो गया तो भी परेशानी होगी, छोटा हो गया तो भी परेशानी होगी, इसलिए पूरा प्रॉपर अच्छे से मेजरमेंट करना है हमें। तो हम इसका मेजरमेंट जो है यहाँ से पकड़ के इस तरीके से बिल्कुल तसल्ली से करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक 5 इंच हो रहा है, मैंने ये जो आधा इंच है ये भी जोड़ा है इस वाले नेक में, तो 5 इंच ये हो गया हमारा, और 5 इंच हमारा जो ये वाला हो गया, ये हमारी 5 इंच था पूरा, तो ये 5 इंच ही इसको हम करेंगे। ये अंदर जो है पूरा नेक का आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक हमारा 5 इंच था, एक साइड का यहाँ तक 5 इंच, और ये वाला 5 इंच होगा हमारा, इसको हमें 5 इंच रखना है, और फिर उस साइड का भी 5 इंच, तो टोटल हमारा 15 इंच का कॉलर बनेगा इसमें। तो चलिए हम ले लेते हैं, अब कॉलर काटते हैं। तो कॉलर के लिए फ्रेंड्स मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली हुई है, आप बुकरम भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है डबल फोल्ड करके, यहाँ से मेरा फोल्ड है, यहाँ से एक सीधा निशान लगाएंगे। और क्योंकि मैंने बैक का जो ब्रॉडनेस थी अपने नेक की वो 2.5 इंच रखी थी डबल से, तो इसमें भी जो मेरे को सीधा पार्ट लेना है वो 2.5 इंच लूँगी, और जो 15.5 का 7.5 आधा होता है तो मैं यहाँ पे 7.5 पहले ले लेती हूँ अपनी लेंथ, इतना यहाँ से 1 इंच ऊपर यहाँ पे, ये वाला हमारा इतना सीधा रहेगा, और यहाँ पे हमारा हल्का राउंड रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से मिला लेते हैं इस तरीके से, और अब जो गोलाई में हमारी लेंथ बढ़ जाती है तो हम एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए इसको ही ले लेते हैं हम। आपको जितना चौड़ा अपना रखना है उतना रख लें। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ही ले रही हूँ, 1 इंच, इस तरीके से। और इधर हल्की से आपको सीधा रखना है तो आप सीधा भी रख सकते हैं, नहीं तो हल्का यहाँ पे जो कॉलर का आमतौर पे होता है वैसे दे दें गोलाई इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स वो काट लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये हो गया है मेरा कॉलर, और अब इसी के बराबर के हमें 2 कपड़े चाहिए, बट इससे बड़े कपड़े चाहिए, वो चारों तरफ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये कॉलर बन गया है, तो हम कपड़े भी काट लें। तो फ्रेंड्स ये मैंने कॉलर के 2 पीस लिए हैं, जो ये वाला थोड़ा डिजाइनर पीस है, ये कॉलर को बाहर, ये बाहर दिखेगा और ये अंदर चला जाएगा कॉलर के। तो ये वाला पहले हम इसको इस तरीके से करके, और ये वाला जो घुमाव है ये हमारे इसमें सूट में ज्वाइंट होगा ये वाला हिस्सा, तो हम इसको इस तरीके से रख के, और ये मैंने चारों तरफ से बड़ा लिया हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखना। इसको इस तरीके से हम एक सिलाई लगा देंगे, तो चलिए सिलाई लगाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा हिस्सा है जो प्लेन वाला, उसको हम इस तरीके से रखेंगे, और नीचे से ये कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा जो कि सिलाई में हमारा जॉइंट होगा ये वाला, और ऊपर से हम बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। कोशिश करिएगा कि बुकरम पे ना आए सिलाई, आ जाती है तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हल्का हल्का निकाल लें। आप देख रहे होंगे मार्जिन का भी कुछ ज्यादा ही है, तो इसको भी हम हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहां पे छोटे छोटे कट दे दें, सिलाई से हटा के कट देने। अब हम इसको पलट लेंगे।
इस तरीके से पलट के पूरा। आप चाहे तो प्रेस कर लें इसको पहले, इसको ऐसे पलट के और प्रेस कर लें तो और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो चलिए अब हम अपने कुर्ते में ज्वाइंट करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये कुर्ती का मेरा सीधा पार्ट है और ये उल्टा पार्ट को मैं इस तरीके से रखूँगी और ये कॉलर इस तरीके से करके यहाँ पे हमें बिल्कुल बराबर मिलाना है, यहाँ पे सिलाई देनी है। कॉलर को फ्रेंड्स ऐसे कर लें, ये अंदर सिलाई में नहीं दबना चाहिए। फ्रेंड्स ये वाला हमने जैसे सिलाई लगाई है, अब ये बिल्कुल यहाँ पे 5 इंच की हम गैपिंग देंगे और वहां से दूसरा वाला जो हमारे बैक नेक का हिस्सा पकड़ेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटा बड़ा पड़ जाएगा कॉलर, तो आप जो ये कॉलर का दूसरा हिस्सा है वो इस वाले फ्रंट के इस वाले हिस्से से पकड़ के शुरू करें। तो चलिए ऐसे ही करते हैं हम। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि यहाँ से हमने शुरू किया था इस वाले कॉलर से इस तरीके से, और यहाँ से हम बीच में से जो नाप रहे थे फिर वो नहीं नापा था और फिर दूसरा कोना पकड़ के यहाँ से किया। तो अगर छोटा बड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा तो पीछे बैक में हो जाएगा वो हमें हमारे। तो इस तरीके से ही आपको भी करना है। तो ये हमारा लग गया है कॉलर। अब हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से जो भी आपका धागे वागे ऐसे नज़र आ रहे हैं वो इसको इस तरीके से अंदर करके ऐसे, और अब आपको सिलाई लगानी है। और बैक का मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। बैक में तो ये बैक में इस तरीके से आ जाएगा, जितना हमने मार्जिन में सिलाई में लिया था उसको इस तरीके से करके, और इसको ये इस तरीके से दब जाएगा। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। ये जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर इसको रख के इस तरीके से हम फिनिशिंग से सिलाई लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए नेक हमारा पूरा बन चुका है और हमने कॉलर भी लगा लिया है, तो फ्रंट का ये वाला लुक आएगा। ये मैंने एक बटन भी लगाया है इसमें इस तरीके से, और ये बैक में आएगा इस तरीके से। पहनने से बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी नेक डिज़ाइन, कॉलर नेक डिज़ाइन की वीडियो। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी भी अगर फ्रेंड्स पसंद आई है ना, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।